नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जैसा कि हमने आपको पिछले न्यूज में दिखाया कि किस तरह मध्य प्रदेश के त्योंथर से एक बुजुर्ग नंदकिशोर हल्का कमजोरी महसूस कर रहे थे, इलाज के लिए जिला रीवा के मशहूर डॉक्टर राकेश पटेल को उन्हें दिखाया गया। डॉक्टर राकेश पटेल ने जांच के बाद बताया कि उनका हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए खून चढ़ाने की आवश्यकता है और नंदकिशोर को अपने हॉस्पिटल विहान में भर्ती कर लिया। खून रीवा के मशहूर विंध्या अस्पताल में लाया गया और जैसे ही डॉक्टर खून चढ़ाने लगे, नंदकिशोर का शरीर अकड़ने लगा। इस वजह से खून चढ़ाने की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी गई, परंतु बिना कोई जांच किए फिर से खून चढ़ाया जाने लगा और इस प्रक्रिया में नंदकिशोर का शरीर फिर से अकड़ने लगा और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब साफ है, विहान हॉस्पिटल के डॉक्टर को मरीज की कोई परवाह नहीं थी। नंदकिशोर के एकमात्र पुत्र राधाकृष्ण भारतीय सेना में है और कश्मीर में ड्यूटी कर रहे थे। राधाकृष्ण का तत्काल अपने गांव त्योंथर पहुंचना आसान नहीं था। नंदकिशोर की मृत्यु के तीसरे दिन उनके पुत्र राधाकृष्ण गांव पहुंचे और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। नंदकिशोर जी एक साधारण, ईमानदार और बिना लाग लपेट के सही बात कहने वाले इंसान थे। नंदकिशोर एक संपन्न किसान थे, फिर भी उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र राधाकृष्ण को भारतीय सेना में देश सेवा के लिए भेजा। राधा कृष्ण ने बहुत दुखी मन से कहा कि मैं जब पिछली बार छुट्टी से वापस ड्यूटी में जा रहा था तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिताजी से ये आखिरी मुलाकात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि विहान अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा की गई लापरवाही की वजह से आज उनका परिवार बिखर गया। राधा कृष्ण ने आगे कहा कि विहान अस्पताल के डॉक्टर उनके परिवार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर भी पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर परिवार को तर्क दे रहे थे कि जब विहान अस्पताल ने मौत के कारण लिख दिया तो हमें पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है, लेकिन राधा कृष्ण ने पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। पोस्टमार्टम हो चुका है, बेटे द्वारा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। द खबरदार न्यूज ईश्वर से प्रार्थना करता है कि श्री हरि विष्णु नंदकिशोर जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को असमय आए हुए इस पहाड़ जैसे दुख को सहने की हिम्मत दें। इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि यदि आपके या आपके किसी जान पहचान में इस तरह की घटना घटी हो जहाँ आपने या आपके अपनों ने डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी अपने को खोया हो तो अपने अनुभवों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस मामले में हम विहान अस्पताल और विंध्या अस्पताल सहित रीवा जिले के मेडिकल इंचार्ज से बातचीत कर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। जर्नलिज्म एक समाज सेवा है, इसलिए यदि आपके आसपास कोई समस्या है, कोई खास बात है, कोई विशेष व्यक्ति है जिनको द खबरदार की वीडियो में स्थान दिया जाना चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं, हमारे ऑफिशियल नंबर पर फ़ोन करें। तब तक देखते रहें द खबरदार न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।